are speaking to Sahas Patel? Hello? Are you there, sir? Hello? Hello, Mr. Sahas?
हाँ दीदी। साहस तू पागल है? इतनी मुश्किल से तो तुझे जॉब ऑफर आई है, अब उसे भी हाथ से क्यों जाने दे रहा है तू? बहुत लोगों को ये भी नसीब नहीं है दुनिया में, कभी बंद कमरों से ना बाहर निकल और उनकी हालत देख। तुझे मिल रही है तो तुझे उसकी भूख ही नहीं है। ओ दीदी, पता नहीं चला कॉल का, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू था। ऑफिस रिसेप्शनिस्ट तुम्हें फिर से कॉल करेगी। हेलो, सुन रहा है? ऑफिस रिसेप्शनिस्ट तुम्हें इंटरव्यू के लिए फिर से कॉल करेगी। प्लीज खुद के लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए इस जॉब को हाथ से मत जाने दे। इसकी जरूरत है तुझे भाई। ओ दीदी मैं। हाँ बोल, क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है? ओ मैं दीदी ये बोलना चाह रहा था कि मैं भैया की शादी पे नहीं आ पाऊंगा। देख मेरी बात मान तो आजा शादी में, भैया को बुरा लग जाएगा क्योंकि पिछली बार भी तूने उन्हें निराश किया था, याद है? बाकी मुझे पता है तू जिद्दी है। खैर जाने दे ये बातें। ये बता रोहित कैसा है? हाँ ठीक है, फिलहाल वो अभी बाहर है। देख साहस, अब तो तेरे बाकी दोस्तों की तरह रोहित भी जॉब करने लगा है, बस एक तू ही रह गया है जो अब तक घर वालों की मदद से सरवाइव कर रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझसे। अब सभी के लिए मैं बेकार हूँ जो किसी काम के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया ताकि टॉक्सिक लोगों से दूर रह सकूं। तो हम लोग तेरे लिए टॉक्सिक हैं? नहीं दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। छोड़, तेरे से बहस करना बेकार है। हेलो। हाँ हेलो भैया, मैं सास बोल रहा हूँ। मुझे ना 1 लीटर दूध और कुछ सामान चाहिए, प्लीज़ जल्दी लाओ भैया। आप इस नंबर पे मुझे लिस्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में सामान लाता हूँ। हाँ अभी कर दूँगा मैं। Just cannot help himself. Goal after goal, record after record. City 3 ahead before you knew it. Well, whether it be Saturday or Sunday, it's Koundé. It's getting ridiculous. The champions are ridiculously good. He began it all. Chelsea will merely be praying that that's the end of it all. हाँ भैया। हेलो सर, मैं आपका सामान तो ले आया हूँ और यहाँ मैं आपके अपार्टमेंट के नीचे मेन गेट पे खड़ा हूँ, क्या आप यहाँ आकर सामान ले सकते हो क्या? अरे क्या करते हो यार आप, फर्स्ट फ्लोर तक नहीं आ सकते हो क्या? माफ़ करना मैं थोड़ा बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं काम करूँगा, यहाँ रिसेप्शन वाले के पास आपका सामान छोड़ रहा हूँ, तो आप मुझे ऑनलाइन पे कर देना। Thank you.
देकर नहीं चल सकते? सुनाई दे रहा है तुम्हें मैंने क्या बोला? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हेलो, हेलो, हू इज दिस? एम आई टॉकिंग टू साहस पटेल? या सर, आई कॉल्ड यू दिस मॉर्निंग बट यू डिड नॉट रिस्पोंड. इट्स टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इंटरव्यू यू हैड अप्लाइड फॉर. एक्चुअली सर, इट्स रीशेड्यूल्ड फॉर टुमारो एट 10 एएम शार्प. आई होप यू विल बी देयर. या श्योर, आई विल बी देयर. ओके सर, थैंक यू. या देखो, उठो उठो उठो. आराम से साहस. कुछ नहीं, तुम बेहोश हो गए थे. मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो आते ही होंगे. ये लो. मैं तुम्हें वॉचमैन के हेल्प से लेके आई हूँ. इस पूरे अपार्टमेंट सिर्फ एक वॉचमैन तुम्हें जानता है. यस डॉक्टर. या आई एम कमिंग. हेलो जेंटलमैन, हाउ आर यू डूइंग? इससे पहले तुम फेंट हुए थे? नहीं सर, फर्स्ट टाइम. कुछ हुआ था क्या?
What triggered you that कि तुम बेहोश हो गए? हाँ, एक अजीब सा डर और घबराहट. ऐसा लगा जैसा कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है. किस चीज का डर? मुझे नहीं पता. मुझे बाहर जाने से डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है. हर कोई मुझे देख के ऐसा सोचता है कि ये कितना बेवकूफ है, ये कितना बेकार है. तुम कब से एक्सपीरियंस कर रहे हो? लंबे समय से. मैं अपना घर छोड़कर यहां आ गया कमाने के लिए. सोचा कि मेरा हालात में सुधार होगा, लेकिन नहीं, ये और भी वर्स्ट होने लगा. मैं नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहता हूं. इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल, छुटकारा तो नहीं, पर इस पर कंट्रोल जरूर पाया जा सकता है. इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो तुम्हारे सामने बैठी है, प्रीति, तुमने नहीं बताया इसे? क्या तुम भी? पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था. तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फैमिली, फ्रेंड्स, गुड लाइफ. तो सिर्फ इसलिए मैं प्रिविलेज्ड हूँ? मैं किसी से अलग नहीं हूँ. After all, we're just human being with feelings. Unfortunately, हमारा समाज ये सब नहीं समझता. उनको लगता है कि ये सब पागल है. Mental illness is like physical scars. But फर्क सिर्फ इतना है कि जिस्मानी घाव देखे जा सकते हैं, पर ये मानसिक घाव जो है वो देख नहीं सकते. डॉक्टर, जैसे प्रीति ने बताया, प्रीति को भी ये प्रॉब्लम हुई थी? तुम कॉप अप कैसे किया? साहस, घबराहट और हेजिटेशन जो है ये सबको होती है. इट्स नॉर्मल. इट्स समथिंग, इट प्रोटेक्ट्स अस. इट्स क्वाइट नॉर्मल. इट कीप्स अस अलर्ट. डर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन कभी कभी ये घबराहट हम पर भारी पड़ जाती है और ये आदत सी भी हो जाती है. इट causes us to worry too much about unnecessary things. बिना जाने या अनजाने में हम वर्ष के सिनारियों के बारे में सोचते रहते हैं. हम जिंदगी में कितने लोगों को देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि मैं उनके जैसे क्यों नहीं होऊंगा. एंड दैट मेक्स अस फील वेरी लोनली. वी हैव टू स्टॉप क्रेविंग फॉर पीपल्स अटेंशन. ये हमारे सोचने का पैटर्न बन जाता है. इट बिकम्स द पार्ट ऑफ ब्रेन नर्व्स. हमारी जिंदगी हमारे डोमिनेंट थॉट्स के रिजल्ट्स को एक्सप्रेस कराती है. वी आर कंज्यूम्ड विथ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड ओवर थिंकिंग एंड वी विल ऑलवेज बी एंग्शियस इन सम वे. इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है. इट्स एन आर्ट ऑफ बिकमिंग ए बेटर ह्यूमन बींग. मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि खुद से अपने घबराहट से उभरने की कोशिश करो पहले. अगर नहीं हो पाता है तभी ही मेडिकल हेल्प लेना. ठीक है? ठीक है सर. कम ऑन डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ. ठीक है, तो हम चलते हैं. ओके जेंटलमैन, आई एम लीविंग नाउ. हाँ सर. ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, इफ एनीथिंग इज देयर यू प्लीज कॉल मी. चलो बेटा, काफी दिनों बाद ऐसे मुलाकात होना पड़ा. थैंक यू प्रीति. मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता. मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो साहस. प्रीति, व्हाट इज लाइक टू बी लव्ड? इट्स अ वंडरफुल फीलिंग नोइंग दैट देयर आर पीपल हु जेन्युइनली केयर अबाउट यू. इवन इफ यू आर नॉट अंडर द सेम रूफ, इट्स सेफ knowing that your friends and family will genuinely support you. It's a feeling, I guess. Have you ever loved someone other than your family? Yes. She is beautiful.
But she married to someone else. I don't want to talk about that. How about you? Have you ever loved someone? Yes. And it was a terrible feeling. Or perhaps I was too young for all of this. It's depressing when you love someone and they don't feel the same thing. Well, that's life. You have to move on. Kuch nahi kar sakte. Abhi tum iske baare mein mat socho. You have to rest. Achcha chalo, ab mujhe jana hoga. Take care. Aur haan, tumhe ek call aaya tha interview ke liye. Maine unhe kal ke liye postpone karwaya hai. Is that okay? Okay. Chalo. Bye, haan. Sahas? Sahas? Oh, Priti! Sorry. मैं बाद में आती हूँ. नहीं, रुको, मैं आता हूँ. हाँ, आप बोलो. Actually, मैं तुम्हें all the best बोलने आई थी. Thank you. ये लो. ये तुम अपने इंटरव्यू के लिए पहनना. For good luck. Thank you so much. It's so nice of you. आज का दिन मेरे लिए अच्छा गुजर रहा है. आज मैं जल्दी उठा. फीलिंग फ्रेश. मेरे घर वालों से बात हुआ. वो खुश है. मैं खुश हूँ क्योंकि वो खुश है. ये तो अच्छी बात है. ऑल द बेस्ट. तुम बहुत खुश भी दिख रहे हो. साहस, मैं जानती हूँ कि तुम ये कर सकते हो. तुम अकेले नहीं हो. ये बात याद रखना. क्या? That every cloud has a silver lining.